राजस्थान के जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आने वाले 5 मार्च को जाटों का भव्य और महा आंदोलन जाट महाकुंभ होगा, जिसके सर्वेसर्वा राजाराम मेल ने इसके तैयारियों के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। इस जाट आंदोलन के लिए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है, जो कि इस जाट आंदोलन के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर कई मंत्री, विधायक और सांसदों और नेताओं को भी इस जाट आंदोलन को सफल बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन अब तक खबरें ये आ रही थी कि इस जाट आंदोलन का मकसद जाटों के लिए आवाज को बुलंद करना है, तो इसमें जाटों के लिए सबसे पहले खड़े होने वाले नेता नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को निमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है और यह आंदोलन उन्हें और उनकी ताकतों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब हम जो खबर आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर हनुमान बेनीवाल के समर्थकों में एक खुशी की लहर दौड़ सकती है। दरअसल खबर ये आई है कि हनुमान बेनीवाल को भी इस जाट महाकुंभ के लिए निमंत्रण भेजा जा चुका है। दरअसल जाट कॉम नाम के एक यूजर ट्विटर पर लिखते हैं, आज के टाइम में जाट समाज के दो टुकड़े होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ हैशटैग जाट महाकुंभ में चलो, तो वहीं दूसरी तरफ हैशटैग जहां हनुमान वहां हम। क्या यही एकता है अपने कौम की? अभी भी टाइम है, एक हो जाओ, सत्ता तक हिलाने का दम रखती है जाट कौम। इस यूजर के इसी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए रामकिशोर डोगियाल नाम के एक यूजर लिखते हैं, हैशटैग जाट महाकुंभ में चलो, कोर कमेटी के सदस्यों ने हनुमान बेनीवाल जी के जयपुर स्थित घर जाकर निमंत्रण दिया। हनुमान जी तो घर पर थे नहीं, लेकिन नारायण बेनीवाल जी ने निमंत्रण स्वीकार कर पोस्टर विमोचन किया। उन्होंने ये अपने सोशल मीडिया पर कहीं पोस्ट नहीं की। रामकिशोर डोगियाल जी की बातों से पता चलता है कि हनुमान बेनीवाल के घर पर भी निमंत्रण दिया जा चुका है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ना ही अपने किसी सभा में और ना ही अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है और वे महाकुंभ में जाने वाले हैं। इस संदर्भ में जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम जरूर हाजिर होंगे।